और शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। आज बात करेंगे बंगाल में कैसी सियासत चल रही है जिसका भूचाल दिल्ली तक का पहुंचा है, यानी कि सरगर्मियां देश की राजधानी दिल्ली में भी दिखाई पड़ रही हैं। बात आज करेंगे ममता के करीबी मंत्री पार्थ चटर्जी की, जिनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं, और वहीं उनके करीबी के पास से करोड़ों का जो कैश मिला है उसके बाद सियासत अपने चरम पर है। मामले में जांच की आंच अब दीदी के दामन तक भी पहुंचते दिखाई पड़ रही है, क्योंकि कल रात पार्थ चटर्जी ने मुख्यमंत्री को लगभग 4 फोन किए, यानी कि दीदी को, ममता बनर्जी को। छापेमारी में ईडी को 21 करोड़ नगद मिले हैं। साथ ही भ्रष्टाचार की मास्टरमाइंड यानी कि अर्पिता मुखर्जी के घर से 20 से ज्यादा मोबाइल और लाखों की ज्वेलरी बरामद हुई है। करोड़ों के इस कैश कांड की कहानी के पीछे कितने किरदार हैं, इन सब की जांच जारी है। मगर बड़ा सवाल यहां बनता है कि पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के बीच का रिश्ता क्या है। साथ ही आखिर रैंप पर चलने वाली अर्पिता के पास मिली अकूल संपत्ति के पीछे सच क्या है, इन सब पर अपने मेहमानों से बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले हमने ये पूरा प्रकरण क्या है ये समझाने के लिए एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार की है, उसको देखिए समझिए। उसके बाद चर्चा करेंगे, तमाम मेहमानों से मिलाएंगे और एक एक करके बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। देखिए, काले धन के कुबेर, नोटों का मिला ढेर, दीदी के मंत्री का बड़ा हेर फेर, करोड़ों का भ्रष्टाचार, कितने किरदार। पैसा ही पैसा, इतना पैसा कि देखकर आंखें दंग रह जाए, गिनने बैठो तो कई दिन निकल जाएं। हरे और गुलाबी रंग के नोटों की खटियां, ये पैसा किसी बैंक का नहीं है बल्कि बंगाल के एक मंत्री के करीबी के घर से बरामद हुआ है। पार्थ चटर्जी वाज अरेस्टेड फॉर द रिक्रूटमेंट स्कैम, सो द ईडी एंड द सीबीआई एक्चुअली हैव रिकवर्ड lot of money from Pada Chatterjee and his close associates. So it is a classic example of how Mamata is running a corrupt government in West Bengal. नोटों के संवार ने बंगाल की सियासत में भूचाल ला दिया है। ईडी की छापेमारी में 21 करोड़ से ज्यादा का जखीरा बरामद हुआ है। इसके साथ ही सेंटर में आ गए हैं ममता के मंत्री पार्थ चटर्जी, जिनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। हालांकि गिरफ्तारी के बाद उनकी तबियत खराब होने के चलते उन्हें एम्स भुवनेश्वर में भर्ती कराया गया। खबर यह भी है कि पार्थ चटर्जी ने सीएम ममता को 4 बार फोन किया लेकिन सीएम ममता ने उनका फोन नहीं उठाया। वहीं दूसरी तरफ पार्थ की करीबी अर्पिता मुखर्जी ईडी की कस्टडी में है, जिनको स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। ममता के मंत्री के करीबी के घर से निकले इस कैश कांड के पीछे की कहानी जानते हैं। अर्पिता मुखर्जी के कई ठिकानों पर छापेमारी हुई। पार्थ के करीबी अर्पिता के घर से 21 करोड़ रुपए बरामद हुए। एसएससी टीचर भर्ती घोटाले के सिलसिले में ये रेड पड़ी। सीबीआई की एफआईआर दर्ज होने पर ये छापेमारी हुई। कोलकाता हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंपी थी जांच। वेरी अनफॉर्चुनेट टू नोट दैट 21 करोड़ रुपीस वर फाउंड इन द मिनिस्टर्स हैंड इन वेस्ट बंगाल। दिस इज वेरी बैड ऑन द पार्ट ऑफ द टीएमसी बिकॉज़ टीएमसी हैज बीन सेइंग सेवरल एथिक्स टू द पीपल दैट दे आर रूलिंग द गवर्नमेंट इन वेरी पॉपुलर मैनर टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द पीपल। दिस इज नॉट करेक्ट। दे आर अर्निंग मोर एंड मोर मनी, दे आर वर्किंग फॉर दैट। अर्पिता के घर से बरामद कैश शिक्षा विभाग के लिफाफे में मिला था, जिसके तार न सिर्फ टीचर भर्ती घोटाले से जुड़ रहे हैं बल्कि ममता के करीबी मंत्री पार्थ चटर्जी भी लपेटे में आ गए, जिसकी जांच की आंच अब बंगाल की ममता सरकार तक पहुंच गई है। ये भर्ती प्रक्रिया 2016 में शुरू हुई थी।
फर्जी तरीके से भर्ती कराने के लिए ओएमआर शीट के हेरफेर का आरोप है। लाखों रुपए घूस लेकर फेल उम्मीदवारों को पास कराया गया। आरोप है कि मामले में सीधे शिक्षा मंत्री शामिल थे। घोटाले से जुड़े कई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। ईडी के रडार पर कई लोग हैं जिनके खिलाफ रेड जारी है। बहरहाल कैश कांड की कहानी के पीछे कितने किरदार हैं ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा, मगर ममता के मंत्री के करीबी के घर से निकले करोड़ों के कैश ने फिलहाल बंगाल सरकार की मुसीबत बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो इस वक्त बंगाल सरकार के होश उड़े हुए हैं, लेकिन हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे और साथ ही बंगाल में भाजपा की नेत्री अग्निमित्रा पॉल ने सुबह सुबह कहा था कि ये तो छोटी मछली है पार्थ चैटर्जी, जो बड़ा मगरमच्छ है इसमें उसका नाम आना अभी बाकी है। यानी कि इंडिकेशन कर रही थी कि इसमें बहुत बड़े बड़े लोग इस घोटाले में शामिल हो सकते हैं, ये तो बहुत छोटा नाम है, छोटा प्यादा है। और ऐसे में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं संजय सरकार, प्रवक्ता हैं टीएमसी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है संजय जी। गौरव गांधी, प्रवक्ता कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जितेंद्र तिवारी हैं, भाजपा के नेता हैं, कोलकाता से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जितेंद्र तिवारी जी न्यूज इंडिया के प्लेटफॉर्म पे। संजय राणा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल मेरा संजय सरकार से, प्रवक्ता हैं टीएमसी के और साथ ही क्योंकि पार्थ चैटर्जी शिक्षा मंत्री रहे हैं पूर्व, और ऐसे में सीधे सीधे आरोप है कि इनके पास से जो अभी जो अर्पिता मुखर्जी हैं उनके पास से जिस तरीके से 21 करोड़ रुपए निकले हैं, उनके तार जुड़ रहे हैं पार्थ चैटर्जी से, और एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं और उसमें घोटाले साबित हो रहे हैं और कहा जा रहा कि बहुत बड़ा घोटाला किया है इन्होंने पार्थ चैटर्जी ने, क्या कहेंगे आप? बहुत बड़े बड़े आरोप हैं संजय जी। नीति जी, मैं आपको कुछ मैकेनिज्म बात करेंगे, आप हो सकता है मेरे से आप एग्री हो सकते हैं। बोलिए बोलिए। जब सीबीआई और ईडी को राडार में जब पार्थ चैटर्जी आ चुके हैं, उसको देखिए सब अंडर सर्वेलेंस में आई जाएंगे, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, वो दो राय नहीं है। और इन्वेस्टिगेशन टीम का काम ही है जो उनको सब जुड़े हुए है, उसको नजदीक है, चाहे कॉल रिकॉर्ड से है, चाहे सोर्स के माध्यम से है, उनको पूछेंगे ये निर्दिष्ट एकदम सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं पूछना चाहता है आपसे, अगर अर्पिता मुखर्जी इसको नजदीक में है, आपको लगता है उसको घर में 20 करोड़ रुपया रख देंगे? आपको लगता है? नंबर एक। नंबर टू, जो मतलब जो उसमें सब अलर्ट हो जाएंगे, उसको साथ में जो आदमी लोग हैं एकदम अलर्ट हो जाएंगे। मेरे कहने का मतलब है, और आप बोल रहे हैं इनवेलप में पैसा लिया है सरकारी इनवेलप में, वो भी डिपार्टमेंट ऑफ एडुकेशन के नाम पे, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के नाम पे, कोई लिफाफा के अंदर वो पैसा रख देंगे, प्रूफ रखेंगे। तीसरा नंबर, अगर आपको कैमरामैन को बोलेगा दिखाने के लिए, एक चीज दिखा रहा है ये पैसा को साथ में, देखिए एक मुजीब और रहमान का फोटो आ रहा है बैग में। मेरे लग रहा है इसमें बहुत बड़ा एक साजिश है, बहुत बड़ा एक मतलब जो क्या बोलेंगे कॉन्फेरेंसी है, ये कॉन्फेरेंसी कहीं से बाहर से पैसा लेके वहां पर मनी प्लांट कर गया है, उसको फंसाया गया है। अच्छा। ठीक है, मैं बता आपको नंबर टू करप्शन का मैटर में जो बोल रहे हैं, जो यहाँ महादेव जी एक बैठे हुए हैं, उनको भी तो कोल घोटाला मामला में उनको भी तो नाम आना चाहिए था, तो बीजेपी के वॉशिंग मशीन में आ गया, तो उसको कोल मशीन, और बीजेपी गंगा जल है, वो पवित्र हो चुके हैं। अच्छा, उसको बुलाया नहीं है संजय जी, और पुणे में इसको काफी संपत्ति है संजय जी, काफी संपत्ति है संजय जी, संजय जी, संजय जी। अच्छा संजय जी सुनिए, छापेमारी क्या अर्पिता चैटर्जी के घर पे हुई थी, अर्पिता मुखर्जी के घर पे हुई थी, माफ कीजिएगा, क्या छापेमारी अर्पिता जी के घर पे हुई थी? हुई थी। अर्पिता का फ्लैट था? फ्लैट था। तो पैसे उन्हीं के फ्लैट से जब्त किए गए? सुनिए, अगर आपको 25 से 26 घंटा अटक कर रख देंगे, उस समय में हम कुछ भी कर सकते हैं आपको घर में, नहीं आपको मेरा, बहुत सारे पुलिस, मेरा सवाल है उन्हीं के घर से, उन्हीं के घर से बरामद हुए ना? संजय जी, आप ये कह रहे हैं
कि वहां पर आप कह रहे हैं कि अर्पिता का, अर्पिता के घर में जो पैसे मिले हैं ठीक है उसमें अर्पिता का कोई लेना देना नहीं, आप ये कह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कौन रखेगा घर में? मैं तो कॉमन सेंस में घुसता, अगर ऐसे घटना हो घटेगा तो ऐसा हो सकता है तो अगर कोई लेके, अच्छा अच्छा संजय जी ये तो बहुत टेक्निकल सा सवाल है, इसका जवाब अब बहुत टेक्निकल सवाल है। अब देखिए अगर कोई उनके घर में पैसा लेके जाएगा उतने बड़े बड़े बक्से में भरकर, वो भी ट्रक भर के जिस तरीके से विजुअल्स हैं, तो क्या आसपास के लोग उनको दिखाई नहीं पड़ेगा अर्पिता के घर में बक्से भर के कोई पैसा लेके जा रहा है रखने के लिए? तो बहुत अजीब सी बात है पार्थ जी। वहाँ पर सीआरपी सोसाइटी है संजय जी, संजय जी सोसाइटी है संजय जी, क्या बात कर रहे हैं आप संजय जी? आपसे ऐसी उम्मीद नहीं है संजय जी, बात कर रहा हूँ मैं आपको, बात जो कर रहा हूँ 27 घंटे में बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकते हैं, हो नहीं सकते ऐसे बात नहीं हो सकता। ठीक है तो नंबर दो हाँ, और 30 सेकंड समय दीजिए, और 30 सेकंड समय दीजिए, बोलिए बोलिए। अच्छा 2002 से 2014 का बीच में गुजरात में मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, अदानी जी को 1 रुपया स्क्वायर फीट पे जमीन, 1 रुपया स्क्वायर फीट के स्क्वायर मीटर के हिसाब से जमीन दिए थे। फिर 2003 में वही जमीन 1100 रुपया से लेके 2000 में गवर्नमेंट खरीद लिया था, बीच में रह गया 1999 से लेके आपको 2000 के अंदर में बहुत सारे पैसा वो काटवानी गया। वो जो जमीन घोटाला हुआ है उसको कभी तहकीकात नहीं हुआ, इन्वेस्टिगेशन नहीं, कुछ नहीं। संजय जी भाजपा कह रही है, संजय जी मैं आती हूँ आज अर्पिता पे बात है, आज अर्पिता पे बात है संजय जी, आज पार्थ चैटर्जी की बात है, आज पार्थ चैटर्जी की बात है, पार्थ चैटर्जी पे बात कीजिए, मुद्दे पे रहिए। हमारे साथ जितेंद्र तिवारी भी जुड़े हुए हैं। जितेंद्र तिवारी जी आप भाजपा के नेता हैं वहां, और ऐसे में इतनी बड़ी घटना, मेरा सवाल सिर्फ इतना है क्या वहां के स्थानीय प्रशासन को इस बात की भनक तक नहीं होगी? देखिए भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूं, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि इस घटना से हम भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि ये केवल पार्थो चटर्जी का मामला नहीं है। पार्थो चटर्जी के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में बंगाल के इंटेलेक्चुअल्स का जो एक रुतबा था, बंगाल के शिक्षित वर्ग के लोगों को जो सम्मान की नजर से देखा जाता था पूरे भारतवर्ष में, उस स्टेटस को धक्का लगा है। और कहीं ना कहीं आज के बाद, इस घटना के बाद, बंगाल के बाहर बंगाल के शिक्षित वर्ग के लोग, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस के लोग हो, बीजेपी के हो, सीपीएम के लोग हो, किसी भी पार्टी के लोग हो, एक अलग रुतबा होता था। किसी भी प्रांत में चले जाइए और आप पढ़े लिखे यदि बंगाल के व्यक्ति हैं और तो आपको एक दूसरी नजर से देखा जाता था। इस घटना के बाद मैं तो कहता हूं केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, तृणमूल कांग्रेस में भी जो अच्छे लोग हैं, जो बंगाल की गरिमा को बनाए रखना चाहते हैं, वो भी आज बहुत दुखी होंगे। और मेरे ख्याल से अब इस घटना को और जितना जस्टिफाई करेंगे तृणमूल कांग्रेस के लोग, इतना ज्यादा जस्टिफाई करेंगे, वो और बंगाल के लिए हानिकारक हो रहा है। दूसरी और बात की पार्थो चटर्जी कोई साधारण नेता नहीं थे, बंगाल के तृणमूल कांग्रेस के जो कुछ इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनमें उनकी गिनती होती थी। वो एक थिंक टैंक थे, विभिन्न जगहों में जो तृणमूल कांग्रेस का जो ट्रेनिंग कैंप होता था, कार्यकर्ताओं को जब प्रशिक्षण दिया जाता था, तो उस प्रशिक्षण कैंप में जाकर पार्थो चटर्जी अपनी बात रखते थे, उनसे तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता सीखते थे। तो जिन्हें अपने गुरु के रूप में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता देखते थे, ऐसे व्यक्ति के बारे में यदि ऐसी घटना घट जाए, उनका ये रूप जब जनता के सामने आ रहा है, तो मेरे ख्याल से तृणमूल कांग्रेस को अपने संगठन के लिए भी इसका रीथिंक करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि इससे बंगाल का कितना हानि उन लोगों ने कर दिया। केवल दूसरे को गलती दिखाकर कि बीजेपी ने ये किया है, इस नेता ने ये किया है, उस नेता ने ये किया है, दूसरे की गलती दिखाकर अपने गलती को छुपाने के बजाय, ये जो हम सारे लोगों की जिम्मेदारी है कि बंगाल के सारे प्रबुद्ध वर्ग के लोग एक साथ और बंगाल की जो गरिमा थी पूरे भारतवर्ष में, उस गरिमा को ठेस पहुंचाने का जो काम हो रहा है, उसको कैसे पुनरुद्धार किया जाए। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की यहां सरकार होगी, लेकिन ये जो काला धब्बा बंगाल के इंटेलेक्चुअल्स पर लग गया, इस धब्बे को मिटाने में हमें बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, हमारे साथ प्रवक्ता है कांग्रेस के गौरव पांधी जी। गौरव जी, अगर किसी पे आरोप लगता है किसी के घर से, फ्लैट से करोड़ों रुपए बरामद होते हैं, वो भी बक्सों में भरकर ट्रक में ले जाते हुए, अगर ईडी पकड़ती है और उसके बाद ये बहुत बड़ा मामला हो जाता है, जिसके तार जुड़ते हैं कि पूर्व में शिक्षा मंत्री रहे हैं, उनसे सीधा सीधा लिंकअप है और घोटाला कहीं ना कहीं उन्होंने ही किया, जिसके तार अर्पिता तक जुड़ते हैं, ऐसे में सवाल ये उठाना कि विपक्ष की राजनीति है चालकान तक जायज है? प्रीति जी, मैं इस पे ये कहना चाहूंगा, जिससे टीएमसी के जो प्रवक्ता, उन्होंने जो कहा पहले, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईडी का काम है इन्वेस्टिगेशन करना,
ईडी का काम है पूरी जांच पड़ताल करना, पूरे तार जोड़ना, उसको हम सेंसेशनलाइज करके जो है वो पेश करें, वो एक चलो एक अलग चीज हो जाती है। मुद्दा यहां पर ये है कि इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि, लेकिन आज ईडी जो है, जो भी हर कदम ईडी का जो उठाया और रखा जाता है वो पॉलिटिकल वेंडेटा ही होता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और ये मेरा व्यक्तिगत मानना नहीं है, लोगों के अंदर अगर आप बाहर सड़क पर जाएंगे, लोगों के अंदर ये धारणा है कि कोई भी एजेंसी जो है आज ईमानदारी से काम नहीं कर रही है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, देखिए क्या होगा, अब मैं ये इस केस में भी आपको बता देता हूं, जितने भी आपने पिछले 7-8 सालों में इतनी सुना, ईडी ने इसके रेड कर दी, ईडी ने उसके रेड कर दी, वहां ये मिला, यहां ये मिला, लेकिन आपने कभी कन्विक्शन नहीं देखा, कभी भी एक लॉजिकल कंक्लूजन पे केस नहीं पहुंचा, कभी भी कोई भी बड़ा राजनेता, छोटा राजनेता, कोई बिजनेसमैन छोटा बड़ा, किसी भी की कोई भी कन्विक्ट नहीं हुआ कि ईडी ने रेड की थी, ये हुआ था और ये देखो जी इसको सजा होगी। ये ऐसा क्यों है, क्योंकि ईमानदारी से काम नहीं हो रहा है। दो निर्णय निकलते हैं हमेशा, जो तो बेईमानी कर गया उसको तो ईडी तोड़ देती है, वो हो जाता है भाजपा की तरफ, और वो फिर भाजपा की लॉन्ड्री है उसमें वो धुलकर साफ हो जाता है, तो जो डटा रहता है। ये प्रूव हुआ है क्या कि ऐसा करती है भाजपा, ये तो गलत, ये तो आरोप मत ये, है नहीं प्रीति जी आपके सामने है, ये जितने आप देखिए हेमंता बिस्वा शर्मा है, टीएमसी के पूर्व नेता रहे हैं जो अब वापिस टीएमसी में है, और लोग वो जो है उनके ऊपर करप्शन के केसेस थे, और यही भाजपा के नेता जो आपके पैनल में आज आते हैं ये उनपे सवाल उठाते थे, आज ये वो नेता जो है इन लोगों के गुरु बन गए। ठीक है, हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट संजय राणा भी स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। संजय राणा जी आप एक बात बताइए आप संजय जी, ऐसे में मतलब जिस तरीके से अगर संस्थान कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अगर बॉडी है, संवैधानिक कोई संस्था अपना काम करती है, और सीधे उसी पे आरोप मर देना कि ये तो उन्हीं की तरफ से किया गया है, ये तो साजिशन किया गया है, कितना जायज है? संविधान अपना काम करे, कानून अपना काम करे। प्रीति जी, टोटल मनी मेकिंग जो कंपनी है इसके साथ बड़ी दुविधा हो चुकी है, ये ममता बनर्जी के साथ दुविधा हो गई है कि वो क्या करें, वो अपना घर बचाएं, अपनी पार्टी बचाएं या अपना नेता को बचाएं। देखिए ऐसा ये कोई नई चीज़ तो है नहीं, आपने अपने स्टार्टिंग में दिखाया था कि 2016 में जो परीक्षा हुई थी WBSSC की, उसका घोटाला है। देखिए उसमें क्या हुआ था, बबीता सरकार नाम की एक जो कैंडिडेट थी वो फर्स्ट आई थी, जो पहला रिजल्ट आया था उसके बाद उसको कैंसिल कर दिया गया, दूसरा रिजल्ट आया जिसमें अंकिता अधिकारी हैं, जो परेश अधिकारी की पुत्री हैं, जो विधायक हैं टीएमसी के, वो फर्स्ट आ गई और बबीता जी चली गई 21st नंबर पे। तो बबीता जी ने एक कोर्ट में याचिका दायर करी, और याचिका दायर करने के बाद हाई कोर्ट ने संज्ञान लेकर के हाई कोर्ट ने रिक्वेस्ट डाला है, सीबीआई को बोला कि इनको इन्वेस्टिगेशन करें। तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा था उसी दौरान, देखिए अप्रैल में भी इन्वेस्टिगेशन हुआ था पार्थो चटर्जी के दादा का, और मई में भी हुआ था इन्वेस्टिगेशन। जब पैसे का मामला आता है तो सीबीआई नहीं आती, उसमें ईडी आ गई है, तो ईडी ने इन्वेस्टिगेट करना, और इस तरह के प्रश्न लगाना ईडी के ऊपर हो चाहे सीबीआई हो, किसी भी संस्था के ऊपर, ये हमें समझ नहीं आता कि उचित है। देखिए ऐसा है कि हमारे एक मित्र बोल रहे थे आपकी डिबेट में कि ऐसा है कि कोई भी कन्विक्ट नहीं हुआ। देखिए कोई भी आप देख लीजिए, चाहे चारा घोटाला लीजिए, चाहे 3G 4G 2G वाला जो घोटाला हुआ था वो ले लीजिए, कितने दिन बाद चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं हो कि इन्वेस्टिगेशन एक दिन की होती है, जो भी इन्वेस्टिगेशन होती है लंबा चलता है, उसमें बहुत सारे सबूत जुटाने पड़ते हैं, फिर उसके बाद तथ्य के साथ प्रूफ किया जाता है, तब जाके कन्विक्ट होता है। और आपको पता है न्याय प्रणाली कैसे, कितना समय लगता है और कितने केसेस हैं। तो इस तरह से प्रश्न उठाना किसी भी संस्थान के ऊपर ये उचित नहीं है। नंबर टू आपने देखा होगा जो चटर्जी है मैडम एक्ट्रेस, उनका नाम मैं लेना नहीं चाह रहा हूँ, वो एक सी क्लास एक्ट्रेस है, वो 3-4 बंगाली पिक्चर में काम की हैं और छोटे मोटे रोल करती थी। वो पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाया करती थी किसी भी ऑडिशन में, किसी भी शूटिंग में, अचानक उनके पास जो फ्लैट है उसकी कीमत तकरीबन 2 करोड़ रुपया है, अचानक उनके पास लग्जरी कार आ जाती है, अचानक वो बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस से एसोसिएट हो जाती हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लोग बता रहे हैं आसपास में रहने वाले, जिनकी सोसाइटी आप देख लीजिए उस सोसाइटी का स्टैंडर्ड कितना है, अचानक कहाँ से आ जाता है इतना पैसा। पैसा तब आया, सरकार जी कह रहे हैं कि उनके फ्लैट में 21 घंटे तक का समय जो होता है पूछताछ का वो बहुत लंबा होता है, ऐसे में कुछ भी मैनेज किया जा सकता है, क्या पता वो मैनेज किया गया। बिल्कुल संजय सरकार कह रहे हैं आपकी बात, चलिए मान लेता हूँ मैनेज किया गया, चलिए मैं मान लेता हूँ मैनेज किया गया,
मैं मान लेता मैनेज किया गया, ये बताइए इतने इतने बड़े बक्से फ्लैट के अंदर जा रहे थे और रखे जा रहे थे फ्लैट के अंदर रखते हुए किसी ने नहीं देखा, सीसीटीवी कैमरा होते हैं। अगर इनको ऐसा लगता है कि अभी दादा 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 अलाउ मी टू टॉक दादा लेट मी फिनिश दादा लेट मी फिनिश ईडी 5% केस में सक्सेस नहीं है। नहीं सर दादा 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 एआर अंतुली से लेकर अगर चालू करेंगे दादा मुझी में खत्म करेंगे गिव मी 2 मिनट्स टू फिनिश सर पर भी सीबीआई सक्सेस नहीं है। दादा लेट मी फिनिश लेट मी पुट फॉरवर्ड ऑन द पॉइंट। देखिए ऐसा है कि आपको याद होगा 13 जुलाई की एक मीटिंग हुई थी। संजय जी आरोप तो गंभीर है ना, इसमें आप कैसे मना कर दीजिएगा? जहां आरोप लगा आरोप लगते हैं वहां आप कह देते हैं ईडी गलत है सीबीआई गलत है, ये तो बात ही गलत है। देखिए मैं एक चीज बताता हूँ, बोलिए। मैं एक चीज आपको बताता हूँ, जब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे और 83 दिन तिहाड़ जेल में अमित शाह थे, आपको मालूम है शायद, तो उस समय अमित शाह सीबीआई का फुल फॉर्म नरेंद्र मोदी जी बोला था कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आज हम का समझेंगे आप बताइए, मैं लॉजिकली बात कर रहा है, पूरा मैकेनिज्म पॉइंट में बात कर रहा है, हम हटके कहीं बात नहीं कर रहे हैं। तो आज के मतलब आज ठीक है संजय जी कर रहे हैं संजय जी संजय जी सरकार दादा सरकार दादा बोलिए सुन मान लिया सरकार दादा बिल्कुल मान लिया नरेंद्र मोदी ने ऐसा बोला था इन्वेस्टिगेशन हुई, लेकिन आप सोचिए पूरी यूपीए सरकार वो प्रूफ नहीं कर पाई, कोर्ट से बाइज्जत बरी हो गए। आपको अगर जांच एजेंसी पे विश्वास है, ये जांच को हाई कोर्ट ने बोला है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं भेजा कि जांच करनी है, हाई कोर्ट ने रिक्वेस्ट किया उस पर जांच हो रही है। आप इतने पाक साफ हैं तो आप डर क्यों नहीं रहे? प्रीति जी एक चीज लगता हूँ एक चीज और रखना चाहता हूँ सरकार द्वारा एक चीज रखना चाहता हूँ आप एक चीज रखना चाहता हूँ प्रीति जी मुझे सिर्फ 30 सेकंड दे दीजिए। देखिए ऐसा हुआ, आपको 13 तारीख की मीटिंग याद है, 13 तारीख की मीटिंग के बाद 3 लोगों में क्या क्या हुआ सबको कांग्रेस के प्रवक्ता भी कुछ कहना चाह रहे हैं। गौरव पांडे जल्दी से छोटा सा संजय जी छोटा सा संजय गौरव जी माफ कीजिएगा। प्रीति जी मैं जो अभी बात कर रहे थे हमारे यहाँ पर मित्र की अमित शाह जी जेल में रहे और उन्होंने ये कहा और किसने क्या कहा उसमें भी मैं एक चीज ये बोलना चाहूंगा कि वो एसआईटी का जो गठन किया गया था वो सुप्रीम कोर्ट के कहने पे किया गया था और जो सुप्रीम कोर्ट के कहने पे ही हर कदम उठाया गया था, ये तो रही उसकी बात। एक प्रश्न मेरा यहाँ पर यह है कि हम ईडी हमेशा ऑपोजिशन के लोगों पे बीजेपी के लोगों पे कभी जो ईडी की कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अभी 2 दिन पहले जो मामला सामने आया है गोवा का स्मृति ईरानी जी के वहां पर बार है उसका, तो उसके ऊपर कि वो पैसा कहाँ से आया आप देखेंगे उनके अकाउंट्स जाके चेक करेंगे तो वो जिस कंपनी से का वो है रेस्टोरेंट है उस कंपनी से उनको लोन मिल रहा है स्मृति जी को, वहां पर पैसा पूरा घूम रहा है। अभी मैं आपको बताता हूँ ऑपोजिशन की कोई भी पार्टी का ऐसा केस होता गोवा वाला ठीक है अभी तक ईडी के छापे पड़ गए होते। ठीक है आपके सवाल का जवाब देंगे संजय राणा जी, लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, हमारे पास समय कम है, छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और देखिए ताबड़तोड़ कैसे इंडिया के सवाल में आज हम सवाल पूछ रहे हैं, क्या बंगाल में आखिर चल क्या रहा है? जिस तरीके से पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी इस वक्त घिरे हुए हैं और ईडी ने अभी उनको अपने कब्जे में लिया हुआ है, हालांकि पार्थ चैटर्जी की तबीयत खराब है, उन्हें एम्स के भुवनेश्वर में एडमिट किया गया है, लेकिन अर्पिता अभी उन ईडी के कस्टडी में है, उनसे पूछताछ की जा रही है, उनके घर से 21 करोड़ रुपए बरामद हुए, ऐसे में सवाल घेरे में है, लगातार पूछताछ चल रही है और हम अपने मेहमानों से बातचीत कर रहे हैं, आगे बढ़ेंगे, सब छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए इंडिया का सवाल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंडिया के सवाल में और ऐसे में लगातार इंडिया के सवाल में सवाल हम यही पूछ रहे हैं कि क्या बंगाल में जो कि एजुकेशन के यानी कि शिक्षा के पूर्व मंत्री हैं पार्थ चैटर्जी, उन पर जो गंभीर आरोप लगा है शिक्षा के घोटाले को लेकर के, क्या वो सब सच है? कैसे उनकी करीबी माने जाने वाली अर्पिता मुखर्जी उनके घर से 21 करोड़ रुपए नगद साथ ही तमाम ज्वेलरी गहने और भी कई विदेशी ये करेंसीज मिले हैं, क्या उनके तार उनसे जुड़ते हैं, इन सब के बीच लगातार सवाल हम पूछ रहे हैं, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से आपका जल्दी जल्दी से तारुफ करवा देते हैं, प्रवक्ता हैं टीएमसी के संजय सरकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गौरव पांधी जी हैं प्रवक्ता हैं कांग्रेस के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही जितेंद्र तिवारी नेता है भाजपा के कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संजय राणा जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे में
ऐसे में संजय राणा जी आप कुछ कह रहे थे, एक बार जल्दी से वापसी करेंगे। मैं सर ये बोलना चाह रहा था जो शायद टीएमसी के हमारे मित्र जो हमारे नामराशी हैं संजय सरकार साहब वो देखना नहीं चाह रहे। आपको ये पता होगा कि जब ये अरेस्टिंग हुई है तकरीबन पौने दो बजे के आसपास पार्थो दादा ने फोन किया था टीएमसी ममता बनर्जी को, ममता बनर्जी ने बिल्कुल फोन नहीं उठाया। आपको याद होगा फरवरी 2019 में जब इसी तरह कमिश्नर की इश्यू आया था तो ममता बनर्जी आंदोलन पर उतर गई थी, देखा था आपने किस तरह उन्होंने आंदोलन किया था। अभी मई में कुछ लोगों को गिरफ्तारी की ईडी पहुंचा था, वहां पे वो आंदोलन करने पहुंच गई थी। अरे भाई आजकल वो आंदोलन क्यों नहीं कर रही है? ये तो अब उनको पता है कि उनकी जो जांच की आंच है वो उनके दरवाजे तक आ गई है। दरवाजे तक मतलब अभिषेक बनर्जी की मैं बात कर रहा हूं, उनका अपना भतीजा अपनी बहू दोनों फंस रहे हैं, इसलिए वो सोच रही है कि अपना घर बचाऊं या मैं पार्टी बचाऊं या अपना प्यादा बचाऊं। तो हो सकता है जो पार्थो पार्टी को पार्थो चटर्जी है, पार्थो चटर्जी हो सकता है इसमें शहीद हो जाए, इसमें आप भारतीय जनता पार्टी को प्रवक्ता बन जाइए, हमको बचने की जरूरत नहीं है कहीं। अरे सर जो कानून है कानून के ऊपर मेरा भरोसा है, आप भरोसा है तो फिर अरे दादा भरोसा है तो आप डर क्यों रहे हो? भरोसा है तो आप डर क्यों रहे हो? भरोसा है तो आपकी ममता बनर्जी फोन क्यों नहीं उठा रही है? भरोसा है तो आप रो क्यों रहे हो चैनलों पर जाकर के? भरोसा है तो ये बताओ कि ये जो एक्ट्रेस पकड़ी गई है इसके घर में इतना पैसा कहाँ से आया? भरोसा है तो ये बताओ 2016 में जो एग्जाम हुए थे 2017 में निरस्त क्यों कर दिए गए? भरोसा है तो बबीता सरकार जो नंबर वन पे थी नंबर 21 पे कैसे चली गई? भरोसा है तो बताओ अधिकारी की बेटी नंबर वन कैसे हो गई? घोटाला कहाँ हुआ ये बताइए, पूरा का पूरा घोटाला है, घोटाले की जांच चलनी होनी चाहिए। और ये हाई कोर्ट ने आदेश दिया है संजय दादा, ये कोई सरकार नहीं कर रही है, हाई कोर्ट के आदेश पे हो रहा है, ये ताजुब की बात है। एक सीक्रेट की एक्ट्रेस जिसके पास चलने के लिए एक कार नहीं थी उसके पास लग्जरी कार हो जाती है, कहां से चीजें होंगी? अभी देखिए बहुत सी चीजें होंगी, अभी पार्थो चटर्जी को क्लीन चीट उनकी मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है, मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है। ठीक है जितेंद्र तिवारी जी, नहीं मैं कहना चाहता हूँ की तृणमूल कांग्रेस के जो ऑफिशियल प्रवक्ता है जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उन लोगों ने भी एक बार भी ये क्लेम नहीं किया कि पार्थो चटर्जी जी निर्दोष हैं। वो बार बार ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस महिला के घर से ये नोटों का बक्सा मिला है उन महिला से हमारा कोई संबंध नहीं है। उन लोगों ने भी एक बार ये नहीं कहा कि ये सारा कुछ ईडी का बनाया है। वो खुद अभी बचाव की मुद्रा में है, वो खुद अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है, वो देखना चाह रहा है कि पानी किस तरफ जा रहा है, पानी किस तरफ बह रहा है। वो ये कह रहा है कि अभी कुछ दिन और देखते हैं, पार्थो चटर्जी का इन्वॉल्वमेंट यदि पाया जाता है तो वो खुद अपने आप को डिफेंड करेंगे, पार्टी उन पर कार्रवाई करेगी। अभी तक तृणमूल कांग्रेस ये निर्णय नहीं ले पा रही है कि उन्हें क्या करना चाहिए। ऐसी स्थिति में ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी है, तृणमूल कांग्रेस के लोगों की जिम्मेदारी है, तृणमूल कांग्रेस के सरकार की जिम्मेदारी है कि इस ये जो जहर ये कैंसर की तरह जो जहर फैल रहा है बंगाल में इससे इस राज्य को बचाया जाए। केवल तृणमूल कांग्रेस का ये मामला नहीं है, ये पूरे बंगाल में जो परिस्थिति है उस परिस्थिति को बदलने का मामला है। मेरे ख्याल से ऐसे आरोपी को ऐसे भ्रष्टाचारी को डिफेंड करके कहीं ना कहीं हम बंगाल की गरिमा को लुंठित करने का प्रयास कर रहे हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम सारे लोग आगे बढ़ते हैं और बंगाल की जो पुरानी गरिमा थी राजनीतिक लड़ाई हम तृणमूल कांग्रेस से लड़ेंगे, तृणमूल कांग्रेस को राजनीतिक रूप से हम परास्त कर देंगे, लेकिन ये जो हानि हो रही है बंगाल की इसे बंगाल को कैसे बताएंगे? थोड़ा ध्यान रखिए भाई साहब, मैं आपको बीच में नहीं बोला, पूरी भाजपा चोर है, सारे सबूत लो संजय दादा, आओ दिल्ली में आप कल केस बन जाएंगे, हम लड़ने के लिए तैयार है। सबूत इकट्ठे करना इन्वेस्टिगेशन, सबूत इकट्ठे करना इन्वेस्टिगेशन, आरोप अगर अदानी को लाला साहब 3 करोड़ रुपया लेते कि नहीं थे?
संजय सरकार जी आप इतने मुझे बोलने का मौका दीजिए, थोड़ा तेज बोलिए वरना आपकी आवाज नहीं आएगी, थोड़ा तेज बोलिए। नहीं नहीं, प्रीति जी जो हमारे पैनलिस्ट आपके स्टूडियो में बैठे हैं वो भाजपा की डिफेंस में अभी बोल रहे थे, वो हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट है बट वो भाजपा के डिफेंस में बोल रहे थे। जैसे आप पीएमसी के डिफेंस में बोल रहे हैं, पर्सनली मत बोलिए, अपने बात रखिए, सबसे बात करिए, छोटा कैसे नहीं चलेगी, नहीं पर्सनल छोटा का बात मत करिए, यहां पे अपनी बात कीजिए। अभी मैं आपको एक रुपए का दानी बताऊंगा, सब कुछ बता दूंगा, के खिलाफ सबूत लेकर आओ, अमित शाह के खिलाफ सबूत लेकर आओ, अगर सबूत लाना हमारा काम है तो फिर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, अरे तो फिर इल्जाम क्यों लगा रहे, इल्जाम आप किसी के ऊपर ऐसे कैसे लगा सकते हो कि एक रुपए में जमीन खरीदी गई है, एक जमीन एक रुपए को खरीदी गई, 11 रुपए बेच दिए। पांडे जी आपको ना लगता है कुछ पता नहीं है भाई, आप जो लीज पे लेते हो 99 साल की लीज क्या होता है, आप कैसी बात करते हो, आप अब अदानी पे इल्जाम लगा रहे थे, पश्चिम बंगाल में अदानी ने 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट पश्चिम बंगाल में किया है, किसने करवाया, पीएमसी गवर्नमेंट ने क्यों बुलाया अदानी को, नहीं बुलाते अदानी को, आपने वहां पे बुलाया ना इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए बुलाया ना बंगाल में, 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, कहां गई ये एजेंसी वो एजेंसी, अरे एजेंसी, अरे आपने इल्जाम लगाए, आपने इल्जाम लगाया तो साबित करिए, आपके तो नेता सारे के सारे इस समय जमानत में, तो आप बोलने लायक ही नहीं हो, चाहे वो सोनिया गांधी हो चाहे राहुल गांधी हो, 2015 से इस समय जमानत पे है, जमानत पे है, जमानत पे है ना, जमानत पे कोई आ जाता है उसका मतलब ये नहीं है कि वो गुनहगार हो जाता है, सर हम तो कानून को सिखाओ, कानून को जाता है उसको सही कीजिए, लेकिन चोर है जो है सही कीजिए, हमारे आप क्यों नहीं, हमारे जो नेता हैं वो बिना डर निडर होकर जाते हैं, क्योंकि जब गलत काम को बुलाया जाता है तभी नरेंद्र मोदी डरता है, जब हम मिस्टर डरते हैं इन्वेस्टिगेशन होगी, क्यों डरते हैं, चोरी करेंगे आप क्यों डरते हो, आप मांग करो केस दर्ज होने, मांग करो इन्वेस्टिगेशन की, किस चीज से डर रहा है, डर इस बात से लगता है क्योंकि गलतियां की हैं और पकड़े जाएंगे, 2000 से
जवाब तो दीजिए गौरव जी, अब एक बात बताइए, एलिगेशन के डर से क्या संवैधानिक संस्थाएं अपना काम करना बंद कर दे, क्योंकि उनको लगेगा कि विपक्ष में जो पार्टियां हैं वो फिर इल्जाम लगाएंगी, तो सरकार सवाल ही अटपटा सा हो गया ना गौरव जी। हम तो कह रहे हैं आप हमें बुलाते हो, हम जाते हैं इन्वेस्टिगेशन पे, कोऑपरेट करते हैं, क्या दिक्कत है, हमें पता है हमने कुछ गलत नहीं किया। ईडी ने यहाँ पर क्योंकि डिस्कशन ईडी की हो रही है, ईडी ने डीके शिव कुमार जी को, कर्नाटका के हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनको कितने समय अंदर रखा, क्या हुआ? पी चिदम्बरम जी को कितनी रेड करी उनके पास, उनको तोड़ने की कोशिश की गई, गमले में घूम आ रहे थे, बयान दे दो, क्या हुआ? गमले में गोली मार रहे थे, फ्रॉड किया था, क्या हुआ सर, क्या हुआ? यहाँ जेल में कोर्ट भेजता है, ईडी ने भेजता है, कुछ नहीं होता है, तो बेसिक नॉलेज आप हमें बुलाइए, आया करिए टीवी डिबेट में, को बुलाइए सर, कांग्रेस के 100 और नेताओं को बुला लीजिए, हाजिर कर दिए, ठीक है। प्रोफेसर सिद्धेश्वर शुक्ला, प्रोफेसर सिद्धेश्वर शुक्ला हमारे साथ मेहमान, अभी अभी जुड़े, एक सेकंड, एक सेकंड, गौरव जी, गौरव जी, गौरव जी, गौरव जी, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, संजय जी, संजय जी, संजय जी, संजय जी, अरे पांडे जी, आप पहले जाओगे, अपना माफी मांगोगे, अंदर जाओगे, माफी मांगोगे, हमारे साथ गेस्ट है, नए गेस्ट आए, नए गेस्ट आए, अरे गौरव जी, बंगाल में जिस तरीके से करप्शन का मुद्दा चल रहा है, जिसमें शिक्षा मंत्री, पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी का नाम आ रहा, कहा जा रहा है कि टीचर्स भर्ती घोटाले में उनका नाम है, 30 करोड़ रुपए की बात आ रही है, जो कि उनके करीबी रही, मॉडल हैं, एक्ट्रेस हैं, कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं, अर्पिता मुखर्जी उनके घर से बरामद हुई है, कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन है, और ऐसे में जो इल्जाम है वो लगातार एक दूसरे पर जो मढ़ा जा रहा है, चाहे वो ईडी पर हो, भाजपा पर हो, या फिर तृणमूल कांग्रेस पर, ऐसे में आपका क्या रुख है? देखिए, मैं एक समाज विज्ञानी के नाते कुछ अलग तरीके से इस बहस को चलाने में इंटरेस्ट रखूंगा। देखिए, भारतीय राजनीति में एक परिघटना जो 90 के दशक के बाद हो रही है, उसका सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यही है कि करप्शन के न्यू नॉर्मल्स राजनीति में लगातार क्रिएट होते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो कारण विहीन है, बहुत सारे कारण हैं। कारणों में एक बहुत बड़ा कारण खुद ही है कि जो हमारी चुनाव पद्धति है वो पिछले वर्षों में बहुत महंगी हुई। दूसरा ये भी कारण है कि राजनीतिक कार्यकर्ता जो हमारे आज़ादी के आंदोलन से आते थे, या सामाजिक आंदोलनों से आते थे, या अलग अलग तरीके के आंदोलनों से आते थे, अब राजनीति में उस तरह के लोगों का अभाव होता जा रहा है। बुनियादी तौर पे राजनीति भी एक तरह का प्रोफेशनल वर्क होता जा रहा है, और ये एक नया परिवर्तन है। अब इन दोनों तरह के अगर परिवर्तनों को आप मद्देनजर रखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भारतीय राजनीति में किस तरह से करप्शन की घुसपैठ लगातार हो रही है। इसमें मैं पार्टियों का नाम नहीं लूंगा, अलग अलग पार्टियां अलग अलग तरीके से, उनके नेता अलग अलग तरीके से करप्शन के न्यू नॉर्मल्स क्रिएट कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति आजादी के आंदोलन से आया रहता तो कम से कम कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं, जैसे शिक्षा का क्षेत्र है, लीस्ट करप्टेड एरिया था, वहां पे भी आप देख रहे हैं कि करप्शन के इस तरह के केसेस आ रहे हैं। तो दरअसल हमें पूरी जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन हुआ है 90 के दशक से 2022 के बीच में, उस पूरे परिदृश्य को समझना पड़ेगा कि क्यों इस तरह की घटनाएं और इस तरह की चीजें राजनीति में लगातार हो रही। तो मेरा तो यही समझ है कि अगर इसको सुधारना है तो राजनीति के से लेकर और समाज के हर बिंदु तक, बुनियादी व्यवस्थाओं से लेकर बड़ी राजनीतिक व्यवस्थाओं तक,
बुनियादी प्रशासनिक इकाइयों से लेकर बड़ी प्रशासनिक, ठीक है सर, आपने बहुत बड़ी बात कही है, आपने बहुत बड़ी बात कही है शुक्ला सर, आपने बहुत बड़ी बात कही है कि राजनीति का जिस तरीके से गलत उपयोग किया जा रहा है, और ऐसे में संवैधानिक पद होता है सर शिक्षा मंत्री, ठीक है, संवैधानिक पद पर रहते हुए आप इतना बड़ा घोटाला कर जाते हैं और उसके बाद किसी को कानो कान तक मतलब पता भी नहीं चलता कि आपने इतना कुछ मैनेज किया होता है, जो कि अभी ईडी निकल के सामने लेकर आ रही है। दूसरी बात यह है, उस समय आप सोचिए जब ये शिक्षा मंत्री रहे होंगे, वहाँ के वो टीचर्स जो एग्जाम दे रहे होंगे, वहाँ के वो लोग जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे दिन रात एक करके, उनको नौकरी नहीं मिली होगी और इतना सब कुछ मैनेज किया सर, ये एक झटके में ये कह दिया जाए कि पूरा मैनेज्ड है, जो फंसाया जा रहा है ऐसा कुछ है ही नहीं, जिसका मतलब है क्या संवैधानिक संस्था भी अपना काम ना करे, आप बताइए सर। ये सवाल अगर मुझसे है, हाँ मैं आप सर, है? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, आप ही से। देखिए मैं जब न्यू नॉर्मल की बात कर रहा था तो जनता उसमें सम्मिलित, आखिरकार ये समूचा पैसा उन्हीं लोगों ने दिया होगा जो अभ्यर्थी होंगे, और अभ्यर्थी भी कम से कम एमए बीएड और हाईली एजुकेटेड लोग ही होंगे शिक्षा के क्षेत्र में, और उन्होंने पैसा दिया भी और इतने वर्षों तक किसी को बताया भी नहीं। ये दर्शाता क्या है? ये दर्शाता यही है कि हमारा समाज भी उसी तरीके से टॉलरेंट हो गया है या उस नॉर्मल को एक्सेप्ट कर लिया है जो हमारी राजनीतिक व्यवस्थाएं चाहती हैं। मैंने बहुत बारी देखा है अलग अलग डिबेट्स के अंदर भी लोग बहुत खुल के, बहुत खुल के, मतलब कोई छुप के नहीं, हमारी संस्थाओं में अभी भी शिक्षा व्यवस्था में एक छोटी सी भी बात हो जाए तो लोग शर्माएंगे, लेकिन राजनीति में वो चीज भी खत्म हो गई है और बहुत खुल के लोग करप्शन का समर्थन करते हुए नजर आते हैं। तो वैसे में जनता के अंदर भी उसी तरह का भाव, आप उसी तरह का संदेशा जनता के अंदर भी दे रहे होते हैं। टीएमसी के प्रवक्ता, संजय सर, दोनों स्तरों पे हमें एक सेकंड सर, आती हूँ आपके पास, आपने बहुत 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 महत्वपूर्ण बातें कही हैं संजय सरकार जी, क्या आपके, क्योंकि वहां पे टीएमसी की सरकार है बंगाल में, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां पर है और मैडम सीएम कितनी एक्टिव रहती हैं करप्शन को लेके, ये हम सबको पता है, किस तरह से उनका स्टैंड क्लियर है ये हम सबको पता है, क्या ऐसे में प्रशासन को भनक तक नहीं थी कि इतनी बड़ी चीज हो रही है? आपकी बातों को अगर छोड़ दिया जाए, जो अपनी तरफ से आप एलिगेशन लगा रहे हैं उसको अगर हम साइड में रखें और आप बात करते हैं, क्या प्रशासन को भनक तक नहीं थी कि सिस्टम में इतनी बड़ी चीज चल रही है? प्रीति जी एक चीज आपको बताने चाहेंगे, अगर कोई करप्शन किया, अगर करप्शन है, अगर उसको गलती है तो उसको सजा उसको भुगतना पड़ेगा, उसमें हम लोग को जीरो टॉलरेंस है, ना हम सपोर्ट करेंगे ना सपोर्ट करते रहेंगे। लेकिन इसके अलावा भी, करप्शन के अलावा भी, कहीं करप्शन के बारे में हम आपको कुछ बताने चाहते हैं। बोलिए। डबल इंजन सरकार का 2021 जनवरी में बिहार में दमकल और पुलिस में वहां पर ये जो ये क्वेश्चन था वो लीकेज हो गया है। 2021 में नवंबर में उत्तर प्रदेश में टीचर बहाली में जो एग्जाम था वहां पर भी क्वेश्चन लीकेज हो गया है, ठीक है। हरियाणा में पुलिस भर्ती में, पुलिस भर्ती में वो भी नवंबर महीना में थे लास्ट ईयर में, वहां पर भी मतलब जो क्वेश्चन था वो भी लीकेज हो गया। गुजरात इतना बड़ा मॉडल है जहां पर सेकेंडरी सर्विस एजुकेशन कमीशन है, वहां पर भी मतलब जो लास्ट दिसंबर में क्वेश्चन लीकेज हो गया है। अदानी ने 1,45,000 करोड़ रुपया लोन लिया था SBI में, उसमें 5 पैसा नहीं दिया। अदानी ने 1,45,000 करोड़ रुपए का 10,000 करोड़ रुपए का टेंडर अडानी को क्यों दिया, आपकी सरकार ने क्यों दिया,
आपने अडानी को क्यों बुलाया, आपने रिलायंस को बुलाया, आपने अडानी को बुलाया, दो बुलाया, आपने खाने के जाते सिर्फ कहने वाली बात है। आपका नेता 2016 में एग्जाम करवाता है, 2017 में करप्शन में इंक्वायरी बैठा देता है, तो इंक्वायरी इमीडिएटली बैठी है। चोरी को घर से 50 जारी प्राप्त 50 जारियों में से ममता घर के अंदर भी है और बड़े बड़े नेताओं के अंदर भी है। ये बताइए एक एक्ट्रेस जो आप मेरे को प्रीति जी मैं आपके सामने प्रीति जी एक मैं कुछ ये लिस्ट छोटी सी एक पढ़ना चाहूंगा। पढ़िए पढ़िए। ये व्यापम का स्कैम हुआ, जीएसपीसी स्कैम हुआ गुजरात में 20,000 करोड़ का, हाँ। रफाल का स्कैम पूरी दुनिया जिसकी जांच फ्रांस ने की, हमारे यहाँ पे जांच नहीं हुई। अरे चुप करो यार, आप चुप करो। बात करते जमानत में और माफी मांगते हैं कोर्ट में करके 25 करोड़ रुपए थे उसमें दिए गए थे। बैंकिंग स्कैम, टीडीएस स्कैम, पनामा पैराडाइज पेपर, इवन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नोटा दिया गया है। मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे का नाम था, कहाँ हुई इन्वेस्टिगेशन? मैं केवल इतना पूछना चाहता हूँ, बोलने दीजिए, बोलिए। मैं केवल इतना पूछना चाहता हूँ, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी क्या करेगी? अरे भाई सुब्रमण्यम सामने केस डाला था, आप आपके लोगों के ऊपर उसमें हुआ केस, बबीता सरकार ने यहाँ पे केस डाला था, क्यों नहीं जाते? अरे कोर्ट में जाओ, बोलने दीजिए। अरे ठीक है गौरव जी, संजय सरकार पकड़ा गया चोर, हमारे साथ और भी गेस्ट है जितेंद्र तिवारी, चुप हो गया, पकड़ा गया संजय राणा जी, आप कुछ नहीं कीजिएगा, हमारे साथ और भी गेस्ट है, हमारे साथ और भी गेस्ट है, आपको खिलाफ होगा चोर से बीमारी का बहाना बनाया, सरकार जी, संजय सरकार जी, बस एक सेकंड कीजिएगा, म्यूट करवा देना पड़ेगा सर। जितेंद्र तिवारी जी, मैं केवल इतना पूछना चाहता हूँ बंगाल के एक नागरिक के रूप में कि दूसरे राज्य के घोटालों की सूची देकर या अतीत में बहुत सी जो घटनाएं हैं उनकी सूची देकर बंगाल के लोगों को क्या ये अधिकार मिल जाता है, सरकार में जो लोग हैं उनको ये क्या ये अधिकार मिल जाता है कि हम करप्शन करें और करप्शन के खिलाफ ईडी सीबीआई कोर्ट के निर्देश पर उसकी जांच भी ना करे? क्या ये अधिकार मिल जाता है कि जब सरकारी अस्पताल में उनको भर्ती किया जाए तो वहां पर अस्पताल का भी गलत रिपोर्ट आ जाए, और जब उड़ीसा में यह जाया गया उनका भर्ती करना, इस तरह करप्शन को जस्टिफाई करना कहीं ना कहीं बंगाल के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, और इस पर करप्शन का जस्टिफिकेशन करना चाहिए। राजनीतिक लड़ाई आप लड़िए, राजनीतिक लड़ाई आप लड़िए, लेकिन कहीं ना कहीं करप्शन को जस्टिफाई करके आप अपने कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है, अपने कार्यकर्ताओं की जो मन की स्थिति है, अपने कार्यकर्ताओं का जो मन स्थिति है, उसके साथ भारतीय जनता का पार्टी में मन सोचिए, हमारे बारे में मत सोचिए, विरोधियों के बारे में मत सोचिए, कम से कम अपने पार्टी के वोटर के बारे में तो सोचिए। उन लोगों ने क्या आपको करप्शन करने के लिए वोट दिया था या करप्शन का साथ देने के लिए वोट दिया था? उसके बारे में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को सोचना चाहिए। आपको प्रश्न पूछना चाहिए अपनी, तो मैं जवाब दूं कि अगर हम यहाँ ठीक है, छोटा छोटा सा बाइंड अप का समय संजय सरकार जी, छोटा सा संजय बनी नहीं, बाइंड अप का समय गौरव जी, जल्दी जल्दी से छोटा सा संजय सरकार जी करके छोटा सा बाइंड अप। जितेंद्र जी मैं कंपेयर इस कारण में कर रहा हूँ, जब विपक्ष का पार्टी होता है वहां पर ईडी सीबीआई को बहुत जोर से हाना होता है, जहां पर सरकारी दल रहता है ड्यूअल, मतलब जो ड्यूअल सरकार, डबल इंजन सरकार, वहां पर जांच नहीं होता है, तो ये निष्पक्ष नहीं है।
निष्पक्ष करने के लिए हम बंगाल में हजार बार आप कीजिए, आप सीडी ईबीआई को कहीं भी मेरे घर में भेज दीजिए ना, मैं मुकाबला कर लेंगे, मैं चैलेंज करता हूँ, मैं मुकाबला कर लेंगे। अरे आप सीबीआई डरते नहीं है जितेंद्र जी, जब आप मैंने एक पंजाबी में कहा होता है, क्या बोलता बोलिए तो, टोडा कुत्ता टॉमी सादा कुत्ता कुत्ता ऐसा है, ऐसे ही बात है, मतलब आपको जो कुत्ता है वो टॉमी है और मेरा कुत्ता कुत्ता ही है, ऐसे ही आप बोलने चाहते हैं। लेकिन आपके यहाँ भी तो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, पानी पी लो जाओगे। पानी हम नहीं, आपको नींबू पानी देने का जरूरत है, अरे ठीक है संजय जी, संजय अपनी बात रखिए ना जल्दी से, बाइंड अप का समय, संजय जी अपनी बात रखिए, गोमूत्र गोबर में कोरोना नहीं है, भाभी जी के पास में कोरोना नहीं है मेरे भाई, ये तो बता के आपके पार्टी जो है गोमूत्र गोबर का पार्टी है, कैसे मिलके गोबर गोमूत्र का पार्टी में क्या कर सकता है, और भगवा पानी भी कोई दिमाग में देता है तो भी काम होता है, डायरेक्ट नहीं काम, पीटी जी इसको तरफ गोमूत्र और गोबर के अनुसार काम कर रही है तो उसको काम करने देना चाहिए, उस पर राजनीति नहीं करनी। छोटा सा गौरव जी, छोटा सा गौरव जी, गौरव पांडे जी बहुत छोटा सा रखिएगा मैं अपनी पार्टी के लिए बोल सकता हूं, और मैं ये बोलना चाहूंगा कि हम लोग किसी भी इन्वेस्टिगेशन से डरते नहीं है, तो कोई भी एजेंसी किसी को भी कहीं पे भी बुलाएगी पूरा 100% कोऑपरेशन रहेगा, लेकिन एक एक देश के हर एक नागरिक को जो उम्मीद है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो निष्पक्ष जांच करें, उसमें मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी तरफ ये, हम तो साफ सुथरे हैं तो हमें तो कोई दिक्कत कोई पहुंचा ही नहीं सकता, लेकिन भाजपा के जो इशारों पे एजेंसियां नाच रही हैं, वो उससे उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल जो अथॉरिटी है, जो उनका गरिमा है, उसके ऊपर जो चोट पहुंच रही है, उसके ऊपर पूरे देश को सोचना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ, ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े इंडिया के सवाल में, और अपनी अपनी बातों का रखा। आपको पता है कैसे बंगाल में इस वक्त जो चल रहा है सियासी घमासान, वो इस वक्त चरम पर है, और साथ ही सवालों के घेरे में भी है टीएमसी सरकार, और ऐसे में हम आपको बता रहे थे कि कैसे शिक्षा, पूर्व शिक्षा मंत्री रहे पार्थ चटर्जी, और साथ ही उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी, उनके घर से 21 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं, और शिक्षा घोटाले का बहुत बड़ा मामला वहां उजागर हुआ है, विपक्ष लगातार अपनी बात रख रहा है, और ऐसे में बीजेपी की तरफ हाथ दिखा रहा है कि शायद कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन बीजेपी यानी कि बंगाल में जो भाजपा है वो कह रही है कि यही होता है बंगाल में, आप देख लीजिए किस तरीके से यहां पर जो करप्शन का जाल है वो बिछा है। ऐसे में सवाल आपके मत की हमने रखी, और जो देश में इस वक्त चल रहा है लगातार सवाल हम वही पूछते हैं, और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार चलेगा।